दो दिन से मेरी नींद गायब है इसलिए क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि हमने टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यार लोगों को ये गलत फहमी होगी कि टिकट प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो थिएटर में नहीं आएंगे। अब ये फ़िक्र हो रही है मुझे दो दिन से। तो प्लीज़ आप लोग समझाइए सबको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। और जो भी ये गलत खबर फैला रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना करें। हमने बहुत मेहनत की है अपनी फ़िल्म पर और हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर इंसान, हमारा हर ऑडियंस इस फिल्म को देखे और अपने बजट में देखे। पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स। 1% भी बढ़त नहीं है उसमें। फ़र्क इतना है कि ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म है जो IMAX में लगी है। हम करीबन 4000 से ऊपर स्क्रीन्स में आ रहे हैं हिंदुस्तान भर में। तो केवल वो 4 स्क्रीन्स छोड़ के बाकी जितने स्क्रीन्स हैं टिकट प्राइस बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मल रेट्स हैं टिकट्स के, वही धूम 3 के भी हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो एडवांस बुकिंग जो मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही बेहतरीन एडवांस बुकिंग हुई। आज कल तो आमतौर पे एडवांस बुकिंग होती नहीं है फिल्मों की। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक तो सही जा रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस। देखिए अल्टीमेट टेस्ट होता है जब पहला शो लगता है हिंदुस्तान भर में, जो पहला शो लगेगा हर थिएटर में, और उस पहले शो में जो रिएक्शन आएगा लोगों का वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनकी ओपनिंग बहुत तगड़ी लगी थी लेकिन लोगों को जब पसंद नहीं आती फिल्म तो फिर वो बैठ जाती है। तो मुझे इंतज़ार है लोगों के रिएक्शन का, ऑडियंस के रिएक्शन का, उनको क्या लगता है। दैट विल बी द ट्रू टेस्ट। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.